नमस्कार, ओम शांति। आप देख रहे हैं पीस न्यूज और आपके साथ मैं हूं शिवांगी। देखेंगे विस्तार से कई बड़ी और अहम खबरें, लेकिन उससे पहले देखते हैं आज के हेडलाइंस। वर्तमान दौर में मेडिकेशन और मेडिटेशन की उपयोगिता पर चर्चा, मेडिकल प्रभाग का आयोजन। महाराष्ट्र के अहमदनगर में स्पिरिचुअल वैक्सीन से मरीजों के इलाज में लाभ पर राजयोग हीलर ग्रुप का प्रयोग, राजयोग ध्यान से मरीजों का बढ़ता आत्मविश्वास। आज कोरोना महामारी ने सारे विश्व को हैरान कर दिया है। दिन प्रतिदिन रोगियों की संख्या लगातार लोगों की परेशानियों को, उनकी चिंताओं को बढ़ाती जा रही है। ऐसे में महाराष्ट्र के अहमदनगर में राजयोगा हीलर ग्रुप द्वारा स्पिरिचुअल वैक्सीन के माध्यम से कोरोना के मरीजों को राहत देने का प्रयास किया जा रहा है। स्पिरिचुअल वैक्सीन में किन गतिविधियों को और किस प्रक्रिया को शामिल किया गया है, इसकी पूरी जानकारी राजयोगा हीलर ग्रुप के संचालक बीके डॉक्टर सुधा कांकरिया ने दी। हम 125 सभी आत्माएं व्यक्ति पहर को 4 बजे अमृत वेला मेडिटेशन करके एक डिवाइन पॉजिटिव हायर एनर्जी को प्रवाहित करते हैं और फोकस एनर्जी, फोकस वाइब्रेशन वो सारे कोरोना बाधित पेशेंट को देते हैं। इसके बाद इस वैक्सीन से कोरोना के मरीजों को किस स्तर पर राहत मिली और उनके मनोबल में वृद्धि हुई, उसे अपने अनुभव के तौर पर साझा किया। He did it as a daily practice and every day he was just feeling like refreshed and positive towards the future. Like, so he was before that he was very much frightened. We all were frightened, but after doing this meditation, he just feeling like refreshed and positive. मैंने ये 7 दिनों का राजयोगा मेडिटेशन कोर्स पूर्ण किया। हर एक दिन मेडिटेशन के वजह से मुझे शांति और पॉजिटिविटी का अनुभव होता रहा। डर, भय, चिंता इससे दूर रहने की शक्ति मुझे इससे मिली और आज मैं इस कोरोना नामक बीमारी से मुक्त हो चुका हूँ।